इसमें कैपेसिटर का एग्जाम्पल है, एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, बैटरी ने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, क्यू चार्ज कर दिया। तो जब कैपेसिटर पे क्यू चार्ज था और ये बैटरी कनेक्टेड थी, तो इसके पास इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, पोटेंशियल डिफरेंस वी था, एनर्जी स्टोर्ड यू थी और चार्ज इसके ऊपर क्यू था, कैपेसिटेंस की वैल्यू इसकी सी थी। वो कह रहे हैं ये सारी वैल्यू मेरे से ले लो। अब एक काम करो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो इस कैपेसिटर के बीच में, तो इस कैपेसिटेंस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो। तो बताओ, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही नई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नया चार्ज क्या होगा और नई कैपेसिटेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन है। एक आंसर इसमें मैं दूंगा एक सेकंड में, अगर आप डायलैक्ट्रिक स्लैब बीच में डाल देंगे, कैपेसिटेंस बिकम के टाइम्स, ये तो पक्का आंसर है, कैपेसिटेंस के टाइम हो जाएगा, ये तो ठीक हो गया। बाकी आंसर्स कैसे होंगे, अब आप ये सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है। अब मैं आपको एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो आपको कन्फ्यूज भी कर सकती है और शायद वो आपको घुमा सकता है सिर्फ एक बात को लेके, कि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली और आप ये वैल्यूज़ को ढूंढना चाह रहे हैं, नई वैल्यूज़ क्या होंगी, आपको ये ज़रूर पढ़ना है क्वेश्चन में कि क्या ये बैटरी डिसकनेक्टेड है या ये बैटरी उसने डिसकनेक्ट नहीं की। बहुत सारे के सारे आंसर ही चेंज हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने बैटरी ली, चार्ज किया, फिर बैटरी उठा के फेंक दी, चार्ज तो प्लेट पे रहेगा, हवा में तो उड़ने से रहा, तो अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला, अब ये वैल्यूज़ निकालो, या फिर बैटरी को मैंने टच ही नहीं किया, बैटरी लगी रहेगी और अब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला, अब ये वैल्यूज कैसे चेंज होंगी ये बताओ, दोनों में फर्क है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा, आपने पहली चीज ये पढ़नी पढ़नी है कि बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी को हटा दिया गया। तो मैंने ये क्वेश्चन दो बार किया, अगर आपके पेपर में ये आता है कि बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो फिर आंसर कैसे देने हैं ये देखो। तो बैटरी कनेक्टेड रहने दो, तो कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, यहां पर पोटेंशियल ये टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है, ये V1 है तो ये V1 है, ये V2 है तो ये V2 है, जब तक बैटरी कनेक्टेड है ये अपने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज होने नहीं देगी, तो V की वैल्यू विल रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको किसने पकड़ के रखा हुआ है प्लेट्स को, बैटरी ने, बैटरी तो हटाई नहीं, तो V की वैल्यू विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है चार्ज, चार्ज क्या होता है, CV, कैपेसिटेंस के टाइम हो चुकी है, V में कोई चेंज नहीं है, तो चार्ज विल बिकम के टाइम्स, चार्ज के टाइम आ गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और डिस्टेंस D है, dV बाई dr, तो V है और डिस्टेंस D है, क्योंकि D को तो चेंज किया नहीं, V चेंज हुआ नहीं क्योंकि हमने बैटरी तो हटाई नहीं, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, V भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी का ये फॉर्मूला है, तो एनर्जी में जब चार्ज के टाइम हो गया, ऊपर से चार्ज के टाइम हुआ,
कैपेसिटेंस भी के टाइम हुई, के स्क्वायर बाई के क्या आएगा, के, तो एनर्जी विल बिकम के टाइम्स आंसर। तो सारे फैक्टर कैसे चेंज हुए समझ में आ रहे हैं, लेकिन इस केस में बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो ये आंसर मार्क करने हैं। अब सेम क्वेश्चन है, बैटरी को तो उठा के फेंक दिया, डिस्कनेक्ट, सेम रिपीट फिर से सेम, तो कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये कैपेसिटर ये कह रहा है आपको कि सर देखो ऐसा है कि मेरी कैपेसिटी तो के टाइम हो गई, तो मैं और चार्ज ले सकता हूँ, तो मेरे को और चार्ज दो, मैं कहूँगा जब चार्ज तो तब दूंगा ना जब बैटरी कनेक्टेड होगी, क्योंकि वर्क डन तो चार्ज में लाने में किसने करना है, बैटरी ने, बैटरी तो गई, तो चार्ज अब और ज़्यादा कहीं से मिलने वाला है नहीं, बैटरी थी वो गई, तो चार्ज विल रिमेन सेम, उसमें चार्ज सेम नहीं था क्योंकि बैटरी कनेक्टेड थी, तो बैटरी और चार्ज प्रोड्यूस कर सकती थी, ये नहीं कर सकती, तो क्यू सेम है, कैपेसिटेंस के टाइम्स है, अब बैटरी तो गई, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्ज अपॉन नई कैपेसिटेंस, चार्ज की वैल्यू कितनी है क्यू, कैपेसिटेंस कितनी है के टाइम्स, तो पोटेंशियल बिकम वन बाय के टाइम, तो पोटेंशियल डिफरेंस में सेम नहीं रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वन बाय के टाइम्स होगा, क्या स्टेप क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं, आपका पोटेंशियल डिफरेंस वन बाय के टाइम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वन बाय के टाइम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वन बाय के टाइम है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है एनर्जी, ये फॉर्मूला एनर्जी का, चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, कैपेसिटेंस के टाइम हो गई, तो एनर्जी वन बाय के टाइम हो गई, तो देखो सारे के सारे आंसर बिल्कुल चेंज हो गए। अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि बैटरी कनेक्टेड के साथ क्वेश्चन करना है या डिसकनेक्टेड करना है, आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है क्या सीक्वेंस मेंटेन करना है, तो अब जो आखिरी क्वेश्चन आया समझ में आ रहा है, अब पढ़ लेना हो जाएगा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन था, मुझे ये नहीं पता बैटरी कनेक्टेड थी कि डिसकनेक्टेड थी आपकी, ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये क्वेश्चन कैसे करना है।